दोस्तों रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही क्लिक करें इस बेल आइकन पर जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज का जो वीडियो है वो भरण पोषण से रिलेटेड है। कोर्ट ने पत्नी के फेवर में जजमेंट ऑर्डर पारित किया, आदेश पारित किया कि ये पति जो है वो अपनी पत्नी को 5,000 रुपये महीने देगा एग्जाम्पल के तौर पर। अब जो पति है ना वो पैसे नहीं दे रहा, उस पर पैसे चढ़ते गए 1,00,000 रुपये हो गया उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो पत्नी है वो परेशान है, उसको पैसा चाहिए, उसने एप्लीकेशन लगा दी वसूली की, उसके वकील से बोला, वकील ने कहा कि अपन वसूली की दरख्वास्त लगा देते हैं नहीं तो जेल जाएगा पति। एप्लीकेशन लगाने के बाद कोर्ट ने उसके वारंट जारी करे, उसको कोर्ट के अंदर बुलाया, कोर्ट में उसको पकड़ के लाई पुलिस। फिर कोर्ट उससे कहती है कि देखो आपके ऊपर इतना पैसा चढ़ चुका है, आप पैसा दो आपकी वाइफ को, अदरवाइज हम आपको जिला कारागृह के अंदर भेज देंगे। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति के पास पैसा है तो वो दे देगा, एग्जाम्पल के तौर पर किसी के पास नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई देना ही नहीं चाहता, हमने मना कर दिया कि मेरे को जेल भेज दो, तो यहाँ पर क्या होगा? ऐसी कंडीशन के अंदर जिसके पास पैसा नहीं है वो भी जेल जाएगा और जो मना कर रहा है देने से वो भी जेल जाएगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने आदेश किया कि इसको 1 महीने की जेल दी जाती है, ये 1,00,000 रुपये नहीं चुकाया इसने, तो यहाँ पर वो बंदा गया 1 महीने के लिए जेल, पति। अब पति जब 1 महीने के बाद बाहर आया जेल से निकल के, पत्नी फिर आ गई कोर्ट के अंदर, साहब मेरे को पैसा तो मिला ही नहीं, तो यहाँ पर उस 1,00,000 का क्या होगा? पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो 1,00,000 है ना, अब वो वापस से एप्लीकेशन नहीं लगा सकती क्योंकि एप्लीकेशन तो पहले लगा दी, उसके अंदर वो सजा काट के आ गया 1,00,000 रुपये की खातिर 1 महीने की। तो यहाँ पर अब दूसरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा अपने वकील से बोल करके पत्नी को कि आप कुर्की क्यों नहीं जाएंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना उसको सेल आउट करके, उसको कुर्क करने के बाद पत्नी को पेमेंट दिया जाएगा, चाहे उस पति की अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो, उसको सेल करने के बाद उस पत्नी को 1,00,000 रुपये दे दिया जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे उस पति के पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या करेगी कोर्ट? देखो एप्लीकेशन लगाई अपने कुर्की की पत्नी ने, तो ये पत्नी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो लाए वो प्रूफ कि इसके पास ये चल संपत्ति है, ये इसके पास अचल संपत्ति है, जो भी संपत्ति उसके पास है उसका प्रूफ कोर्ट के अंदर पत्नी को ही ला करके पेश करना पड़ेगा। उसी के बाद कोई प्रॉपर्टी की जाँच होने के बाद उसकी जब होगी कुर्की उसके बाद मिलेगा पेमेंट। अदरवाइज अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या कुर्क करेंगे और जेल भेज सकते नहीं, उसी केस उसके उसी मामले के अंदर ऑलरेडी 1 महीने जा चुका है वो 1,00,000 रुपए के लिए। अब जो नया मामला है, मतलब जो नया वसूली का चढ़ रही है उसकी, नए नए मंथ की जो चढ़ती जा रही है वसूली, अगर वो भी नहीं दे रहा है तब अब लगा सकते हैं आप उस वसूली के लिए भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 20-25,000 रुपये चढ़ गए तो आप वसूली की एप्लीकेशन एक और लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्ट को आदेश ऑर्डर देगा वही कि भाई अरेस्ट वारंट से लेकर के आओ उसको, गिरफ्तार करके कोर्ट में खड़ा करने के बाद कोर्ट पूछेगा भाई आप पे इतना पेमेंट चढ़ गया है आप दे दो, अगर दे देता है तो कोर्ट कहेगी ठीक है जाओ, अगर वो नहीं देता कहता कि मैं तो फिर से जेल जाना चाहता हूँ तो फिर कोर्ट जेल भेज देगी उसको, फिर वही एप्लीकेशन लगेगी कुर्की की, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो कुर्क करके ही दिया जाएगा आपको पेमेंट, अदरवाइज वो दे रहा है तो कोर्ट उसको रिलीज मतलब वो पेमेंट दे करके वो सेकंड वाली की इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट की तो एक जा ही आया वो जेल, सेकंड के अंदर वो जेल ले जा रहा है वो दे रहा है आपको 20,000 रुपये दे दिए साहब उनने, अब वो जेल भी नहीं जाएगा और वो 1,00,000 के लिए आपको कुर्की के लिए ही जाना पड़ेगा जो भी महिला है। तो समझ में आई होगी बात कि जब भी कोई ऑर्डर करती है कोर्ट उसकी पालना में अगर वो मेंटेनेंस खर्चा नहीं दे रहा है पति, तो पत्नी एप्लीकेशन लगा के पति को जेल भिजवाती है, जेल भेजने के बाद फिर वो पति अगर 1 महीने की जेल काट के आता है तो यहाँ पर उसको वो कुर्की के लिए जा सकती है महिला। लेकिन अगर वो जेल पे काटने से पहले बेल ले लेता है, बेल ले ली उसने, ये भी एक कंडीशन है, अगर बेल लेकर के आया तो कंडीशनल बेल मिली होगी उसकी, अगर कंडीशनल बेल मिली है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कहीं ना कहीं पैसे का भी वो होगा ब्योरा के भाई इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा इस तारीख को, वो बेल जरूर देख लेना, अगर कोई बेल देकर के बाहर निकल गया तो 1 महीने नहीं काट के आया जिला कारागृह से। तो अब उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, दूसरों लोगों तक पहुँचा देना इस वीडियो को, कोई नया व्यूवर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे फॉलो करके मेरे से आप मैसेंजर में बातें कर सकते हैं, संडे लाइव वहाँ पर मेरे से आप लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।